देश भर में महंगाई आसमान पर है और आम आदमी का महंगाई के बोझ तले दम घुट रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया है। राज्य सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है। इस कटौती के बाद मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे और डीजल 94 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल आणि डिझेलवर, पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये अशा प्रकारचं जे दर आहेत ते कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। यामुळे जवळपास 6,000 कोटी रुपयाचा शासनाच्या तिजोरीवर भार पडेल, परंतु 6,000 कोटी रुपये जनतेला त्यामधून दिलासा मिळेल, हा एक महत्त्वाचा निर्णय या ठिकाणी आम्ही घेतलेला आहे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने के साथ साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी एक अहम फैसला लिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य में मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सभी क्लियरेंस दे दिए गए हैं। राज्य सरकार के इन दोनों फैसलों की पूरी डिटेल में जानकारी दे रही हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा। आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ अहम लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है ईंधन के दामों को लेकर। जहां बात अगर पेट्रोल की जाए तो उसमें 5 रुपए घटाए गए हैं, वहीं अगर डीजल की बात करें तो 3 रुपए की घटत देखी गई है। इसके साथ ही कुछ और अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए सारी क्लियरेंस दे दी गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा। यानी कि जो सबसे पहली बुलेट ट्रेन देश में चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, उसमें लैंड एक्विजिशन की जो सबसे पहली क्लियरेंस है वो सीएम द्वारा दे दी गई है। लेकिन इसी के बीच में कोविड को मद्देनजर रखते हुए कोविड की पॉजिटिविटी रेट कैसे कम की जाए उस पर भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर लोगों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि अब ईंधन के दामों पर हमने बड़ी कटौती देखी है। 5 रुपए अब पेट्रोल में कम हुए हैं, वही 3 रुपए डीजल में कम हुए हैं महाराष्ट्र भर में। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों को थोड़ी राहत मिली है सरकार के इस फैसले के बाद। क्या है उनका रिएक्शन, चलिए देखते हैं। 111 रुपए पर लीटर मिल रहा है, अभी 5 रुपए का हमें इतनी जानकारी नहीं है, और 5 रुपए अगर हो रहा है तो काफ़ी राहत ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 5 रुपए से इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। अच्छा होगा, बच्चे को लाने ले जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी थोड़ा अच्छा रहेगा, स्कूटर से वगैरह जाएंगे तो देखा जाए तो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बहुत और बहुत दिक्कत होती है। अगर सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर वो कम कर सके तो और ज़्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से बेटर है। क्योंकि अगर पेट्रोल के ऊपर भी GST टैक्स और ये सब इंक्लूड करेंगे ना, और बाकी अदर टैक्स निकालेंगे, तो पेट्रोल अपने को जो प्राइस में मिल रहा है उससे और कम कीमत में मिल सकता है।